मैं कन्हैया सिंह शिवहर संवाददाता आज प्रस्तुत है शिवहर अवस्थित पिपराही प्रखंड क्षेत्र के सिंगाही उप स्वास्थ्य केंद्र की दयनीय अवस्था व्यवस्था पर स्पेशल रिपोर्ट। ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पर जो दिख रहा है यही है सिंगाही उप स्वास्थ्य केंद्र जो महाशोभा की वस्तु बना हुआ है। गौरतलब है कि सिंगाही अस्पताल से पिपराही अस्पताल 5 किलोमीटर तथा शिवहर सदर अस्पताल 12 किलोमीटर दूर है। इस अस्पताल के हमेशा बंद रहने से ग्रामीण क्षेत्रों के मरीज प्राइवेट यानी निजी अस्पताल में अपना कीमती समय व पैसा दोनों खर्च कर काफ़ी ठगा हुआ महसूस करते हैं। सिंगाही अस्पताल को लेकर थोड़ी जांच पड़ताल के बाद पता चला कि सप्ताह में केवल 2 दिन यानी गुरुवार और शुक्रवार को सिर्फ टीकाकरण हेतु खोला जाता है, बाकी दिन ताला लटका रहता है। यह अस्पताल आवारा कुत्ता एवं मवेशियों का अड्डा बना हुआ है। इस अस्पताल में न तो कभी कोई डॉक्टर इलाज के लिए नियुक्त हुआ है और न ही कोई दवा उपलब्ध रहता है। विगत कई वर्षों से पूर्व चापा कर लगवाया गया था पर अज्ञात चोरों ने हैंडपम्प काट कर गायब कर दिया। तब से लेकर आज तक यहाँ पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं है। वर्ष 2013-2014 में 13वीं वित्त आयोग द्वारा ग्राम पंचायत राज बेलवा अंतर्गत सिंगाही में अवस्थित सरकारी अस्पताल का मरम्मती कार्य श्रीमती नीलम देवी प्रखंड प्रमुख पिपराही के कार्यकाल में संपन्न हुआ था, परंतु पुनः यह जर्जर अवस्था में है। सूबे के बीमार लोग अस्पताल होने के बावजूद इलाज के लिए अन्यत्र भटकने को बाद है। अस्पताल होने के बावजूद इलाज नहीं हो पाता है। वहीं क्षेत्र की मीडिया कर्मी की स्वास्थ्य विभाग से मिलीभगत होने के कारण इस खबर को कभी भी कहीं जगह नहीं मिल सका। यहां के लोगों की जुबा पर महज एक ही सवाल है कि शोभा की वस्तु रूपी अस्पताल में डॉक्टर और दवा कब से उपलब्ध होगी। धन्यवाद।